नमस्कार दोस्तों, कैसे करें डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप अपनी सीट का कलर सफ़ेद से जो है वो किसी और कलर में चेंज जो है वो कैसे कर सकते हैं। कई बार हम लोग जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन यानी डिज़ाइनिंग के लिए जो है वो ऐसा करते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि किसी भी और कलर में जो वो हमारे एमएस वर्ड की सीट को हम चेंज कर लें, ताकि वो थोड़ी अट्रैक्टिव लगे और उसकी जो भी ई फाइल या फिर ई लर्निंग की जो डॉक्यूमेंट्स हो वो काफ़ी सुंदर लगे, और उसको आप जो है वो पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बारे में अगर आप जानकारी चाहें तो आप जो है वो हमारे चैनल पर सर्च कर लीजिए कि एमएस वर्ड किसी भी फाइल को जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करें। तो अभी जब वो हम लोग आपको बता देते हैं कि एमएस वर्ड में जो है वो आप अपनी सीट का बैकग्राउंड का कलर चेंज कैसे कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जानकारी जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको वीडियो के नीचे दिया है एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उसको दबा दीजिए, और साथ ही साथ लाइक बटन जो दिया है उसको भी जो वो आप दबा दीजिए, क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तभी जो वो हम आप तक इस तरह की खास जानकारियाँ जो वो पहुँचा सकेंगे। अन्यथा दोस्तों हमें जो वो कुछ नहीं मिलता है सब्सक्राइब और लाइक का, सिर्फ आपका प्यार जो वो हम तक पहुँचता रहता है। तो अभी हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे जो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पर जाते हैं सबसे पहले अपने सिस्टम के, और वहाँ पर हम सर्च करते हैं WORD वर्ड, और वहाँ पर आपने इंस्टॉल किया होगा एमएस वर्ड, तो वहाँ पर जो उसको आप ओपन कर लीजिए। क्लिक करने के बाद वहाँ पर जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं उसके बाद आप कलर देखेंगे कि इसका वाइट है बिल्कुल। आप इसको चेंज करने के लिए आप इंसर्ट पे जो है वो चले जाइए, और वहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो होगा 1 मिनट पेज लेआउट पे। आपको जाना होगा पेज लेआउट के अंदर। जैसे आप पेज लेआउट पे जाते हैं वहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा यहाँ पर पेज कलर का, तो आप पेज कलर पे जो है वो क्लिक कर लीजिए। जैसे आप पेज क्लिक पे करते हैं आपको बहुत सारे कलर्स जो है वो वहाँ पर दिखाए जाते हैं। आप जिस भी कलर के ऊपर जाएंगे आपके पेज का कलर वैसा ही जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप आसानी से किसी भी कलर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पर जो है वो अपना जो भी डेटा आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा, तो इस तरह से बिल्कुल आप आसानी से जो है वो अपने पेज लेआउट को चेंज जो है वो कर सकते हैं, और पेज कलर को जो है वो चेंज करके काफ़ी अट्रैक्टिव जो है वो लुक इसको दे सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि कैसे जो है वो पेज कलर चेंज कर सकते हैं। पेज लेआउट में जाइए, वहाँ पर पेज कलर का ऑप्शन है, जो भी कलर आप चूज़ करेंगे वही पेज का कलर जो है वो हो जाएगा। उसके बाद आप जो प्रिंट लेंगे उसमें हल्का कलर आएगा, अगर आप कलरफुल प्रिंट ले रहे हैं तो बिल्कुल एज इट इज़ कलर आएगा जैसा आप लेना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसको जो है वो पब्लिश करेंगे, विजिबल करेंगे, कहीं प्रोजेक्टर वगैरह पे प्रोजेक्ट करेंगे तो भी जो है इसका कलर ऐसा ही आएगा जैसा आपने पेज का कलर किया है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सीख पाए होंगे एमएस वर्ड की सीट का बैकग्राउंड कलर चेंज कैसे कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में डालिए आपको क्या नई जानकारी चाहिए और आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर दीजिए, और बने रहिए सीखते रहिए कैसे करें।